Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel. You're watching Life with Raja Hurairah. I hope you're doing well and great time with your friends and family. So guys, मैंने few weeks and few months ago मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कैम के नाम पे, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं और पाकिस्तान में जो जॉब्स के हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से ना किसी आउट ऑफ कंट्री जाएं या कोई जॉब उनको मिले। ऑब्वियसली सबको पैसों की ज़रूरत है आजकल के दौर में, और जिसको कहते हैं कि नफसा नफसी का आलम है, और ऑब्वियसली बगैर पैसों की गुजारा नहीं है। जिनके बच्चे हैं जो उनको पालना पोसना अपने लिए ज़रूरत होती है, खाना पीना एवरीथिंग, यू नो। तो लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं कि यार हमें इजी मनी मिले ना, तो जिसकी वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा इवन के इंटरनेशनल कंपनीज़ भी, बेसिकली वो इंटरनेशनल कंपनीज़ नहीं होती लेकिन उनके नाम पे लोगों ने स्कैम वगैरह शुरू किया हुआ है, और जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से लूट मार और पैसे जिनको कहते हैं कि बटोरने की कोशिश की जा रही है। तो आज का वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये वीडियो भी बना दो, एक इस पे भी वीडियो बना दो, या इसका बता दो। तो मैं आपको आज कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यार इंसान को थोड़ा सा अपने लाइक यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, यू नो। कि अब आपको पता लग रहा है कि यार वो आग लगी है, मैंने उसमें नहीं जाना, मैंने हाथ लगाया मेरा हाथ जल जाएगा, एंड बट स्टिल लोग जो है वो कहते हैं यार चेक करते हैं शायद ना जले, तो वो हिसाब है आजकल। लेकिन मैं आपको इसका कसूरवार नहीं कहता, जो लोग काम ये कर रहे हैं मोस्टली वो हराम कमा रहे हैं, मसला सारा उधर से ही होता है। और जो कहते हैं कि यार टू बी ऑनेस्ट के अगले जहान में उनका हिसाब किताब हो जाएगा, वो मसला नहीं है, तो सारी दुनिया ने हिसाब किताब देना है, इवन कि यार उनका दुनिया पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मकसद गाइस यही है कि जो ऑनलाइन स्कैम पाकिस्तान में हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहे हैं, इवन के कुछ लोग यार, फॉर एग्जांपल अब मैं बाहर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे यूके में, सो मैं यहाँ पे अगर मेरा बहुत करीबी दोस्त है एंड ही सेड लाइक यार मैं कोई इंटरनेशनल कंपनी वगैरह खोलना चाहता हूँ तो मुझे कोई नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक नई सिम निकाल के उसको दे दूंगा, कहूँगा ये ले व्हाट्सएप बना ले ये वट एवर। तो लोग इस तरह करते हैं जी के व्हाट्सएप नंबर उनके बाहर के होते हैं, या मैं ख़ुद अगर कोई स्कैम करना चाहूँ बहुत इजीली कर सकता हूँ, मैं बोलूँ यार ये ऑनलाइन वर्क है, इसका असाइनमेंट वर्क है या व्हाट्सएवर, बहुत सारे किस्म के मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं और मैं उसको नंबर दे दूंगा अपना, यार ये लो मेरा नंबर यूज़ कर लो, आई ट्रस्ट यू व्हाट्स एवर, लाइक मैं भी उसके साथ मिला हुआ हूँ, कहने का मकसद है। तो वो आपको बाहर के नंबर से मैसेज करेगा कि जी हमारी इंटरनेशनल कंपनी है व्हाट्स एवर, तो आप हमें इतना इन्वेस्ट करें या व्हाट्स एवर। तो गाइज अभी रिसेंटली मुझे एक लड़के ने कमेंट किया था जो कि मैंने यहाँ पर उसको सेव किया हुआ था, उसके साथ स्कैम हुआ था फेसबुक पर। अच्छा, फेसबुक पर जो स्कैम आजकल चल रहा है वो दो किस्म का स्कैम है। फर्स्ट स्कैम जो है वो तो ये है जी कि यार अगर मेरी आईडी है, या मेरे नाम है जी राजा हुरैरा, ठीक है, मेरे नाम से आईडी बनी है मेरी फेसबुक से, विच वाज लाइक 10 years ago, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी आईडी बनी है, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त और मेरे करीबी जानने वाले और बहुत सारे लोग ऐड होंगे वहाँ पे ऑफ जी। तो अब होता ये है कि जो पहला स्कैम मैं आपको बता रहा हूँ, होता ये है कि अब उस स्कैम में ये सीन होता है कि अब मेरे नाम से और मेरी प्रोफाइल पिक्चर उठा ली किसी ने, स्क्रीनशॉट मारा और मेरे नाम से नई आईडी बनाई, मेरा जो स्टेटस वगैरह है वो सारा कॉपी किया अपने नाम पे लगाया। अब उसने ना मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जिन, अब वो देखेगा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में या फ्रेंड लिस्ट में जो है प्राइवेसी लगी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या करेगा कि मेरे जो पिक्चर्स वगैरह होंगे इस पर देखेगा लाइक कमेंट्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं, या आपके जो करीबी दोस्त होंगे या व्हाट्सएप जो शेयर करेंगे आपकी वीडियोस, ये वो ना, तो वो उनको भेजना शुरू करेगा रिक्वेस्ट, ठीक है।
अब होगा ये कि अब मेरा नाम लगा हुआ है, मेरी आईडी है, मतलब मेरी तस्वीर लगी है, मेरे नाम से आईडी है, अगर मेरे किसी दोस्त को रिक्वेस्ट जाएगी तो वो क्या करेगा, इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो मैसेज वगैरह करके पूछेगा ऑफ कोर्स यार कि न्यू आईडी बनाई है, तो अब ऑफ कोर्स फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पर ही ना मैसेज कर देते हैं कि यार इस तरह आपके नाम से हमें रिक्वेस्ट आई है, तो ये वो ना फेसबुक पे, तो वो जो फेक आईडी होती है वो कहता है हाँ जी यार मैंने न्यू आईडी बनाई है और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो उसको ऐड कर लेता है, तो क्या होता है जी कि जब काफ़ी सारे दोस्त ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि यार वाकई फेक आईडी तो नहीं है, तो वो देखते हैं फ्रेंड लिस्ट में भी वही सारे लोग ऐड हुए होते हैं, तो होता ही है कि वो लोग ट्रस्ट करके करते हैं, कुछ समझते हैं यार सेम आईडी या नहीं बनाई होगी या व्हाट्सएप कुछ भी हुआ होगा, तो उसमें वो उसको ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड कर लेते हैं तो वो जो फेक आईडी वाला पर्सन होता है वो आपके मैसेंजर पे आपको मैसेज करेगा कि यार राजा साहब ये वो ब्ला ब्ला ठीक हैं ये वो, तो सारा कुछ हो जाएगा, तो क्या होता है कि फिर वो कहता है कि यार मेरा कोई दोस्त है, अब उनको पता है कि यार मैं जो हूँ बाहर बैठा हूँ, तो वो ये कहेंगे कि यार मेरा कोई दोस्त है पाकिस्तान में, आप उसके अकाउंट में इतने पैसे भेज दें और मैं आपको ना कुछ दिनों बाद वापस कर दूंगा। अब मेरा मैं अगर अपनी बजाते खुद बात करूं तो मेरी 3 दफ़ा ये फेक आईडीज बन चुकी हैं, 3 दफ़ा, और मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ दुखा हो चुका है, वो मेरे नाम पे दूसरों को पैसे जो मतलब जो अकाउंट वो भेजते थे उनके नाम पे वो भेज देते थे पैसे, और बाद में पता लगता था कि यार ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, जब वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे या कॉल करते थे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं सोया हुआ था या वट कुछ भी था, मैं बिजी था तो मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो वो फिर इस तरह के स्कैम हुए हैं बहुत सारे। रिसेंटली मेरे फूफो के हस्बैंड, मेरे फूफा, उनके साथ हुआ था इसी तरह से, वो एडवांस लेवल पे हुआ था स्कैम। उसमें क्या हुआ था कि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर के नंबर भी यूज़ होते हैं इस काम में, अब बंदा वो बैठा पाकिस्तान में ही है, उसने किसी तरीके से बाहर का नंबर निकलवाया, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को ऐड किया जिसमें मेरे पापा भी शामिल थे उनके साथ, उनको मैसेज किया, उसको बोला यार कि मुझे ना अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, तो व्हाट्सएप नंबर उन्होंने सेंड कर दिया, उन्होंने ठीक है समझा होगा कि यार वो रह रहा ही है, तो उन्होंने भेज दिया। और उसने फिर क्या किया कि अगर कुछ लोग होते हैं ना फेसबुक पे नहीं ट्रस्ट करते तो वो उनसे कहते हैं कुछ एडवांस लेवल का जो स्कैम है उसमें वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप नंबर बाहर का यूज़ हो रहा था, अब उनको पता है कि यार राजा बाहर बैठा हुआ है, उस उसका नंबर चेंज किया हो, तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज उसने किया कि यार इस तरह मेरा दोस्त है उसकी वो पाकिस्तान में रहता है, उसकी जो रिलेटिव है वो बहुत सख्त बीमार हैं या बहुत एक्सीडेंट हो गया या उनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो आप ना 50,000 रुपया दे दें या 1,00,000 रुपया भेज दें तो मैं आपको ना वापस कर दूंगा बाद में, क्योंकि मेरा दोस्त इमरजेंसी में, मैं अभी बिजी हूँ इंग्लैंड में, तो आप पाकिस्तान में उसको ट्रांसफ़र कर दें, इतनी जल्दी हो जाएगा, मैं आपको बाद में सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो मेरे फूफा ने समझा कि यार वाकई ये हो सकता है इमरजेंसी होगी या व्हाट्सएवर, तो उन्होंने क्या किया कि वो पैसे उन्होंने 50,000 पहले भेजा, उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं है और भेजो और भेजो, तो करते करते उसने 1.5 लाख रुपया मेरे पापा से ट्रांसफ़र करवाया, और उसके बाद दोबारा मांग रहा था कि नहीं नहीं थोड़ा और दो दो ये होगा वो होगा, तो तब वहाँ पे जाके उनको थोड़ा सा शक हुआ, जब 1.5 लाख रुपया उन्होंने अपना ज़ाया कर दिया तो फिर भी उनको शक हुआ कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी मुझे कॉल करो, और जब कॉल करने का बोला ये वो, तो उसने ना उनको ब्लॉक कर दिया। बाद में हमने बड़ी कोशिशें की, सारा कुछ किया भी है, केस वगैरह भी डाला हुआ है, लेकिन यार कहने का मकसद है कि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। फेसबुक का एक तो पहला स्कैम ये था कि लोग फेक आईडी सेम नाम से बना के आपको बटोरने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ से आप लोगों ने बहुत बचना है। अगर आपके नाम से कोई फेक आईडी आ रही है, आपके दोस्त के नाम से आपको रिक्वेस्ट आ रही है न्यू आईडी से, तो यू हैव टू कॉल देम ऑन व्हाट्सएप, उनके नंबर पे कॉल करें, उनके व्हाट्सएप पे कॉल करें कि यार पूछें पहले कि यार वाकई अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें फिर पैसे दे दूंगा, या वाकई तुमने न्यू आईडी बनाई है या क्या सीन है। तो इस स्कैम से लाजमी बचें। और दूसरा स्कैम जो अभी एक लड़के ने वीडियो पे कमेंट किया था कि यार मेरे साथ ये कोई स्कैम हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि यार ये देखें, अभी अगर आपको नज़र आ रहा हो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये एक लड़की है, अगर आपको नज़र आ रही हो मैं उसकी आईडी इधर साथ में मेंशन भी कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, ये वो लड़की है। अब बेसिकली ये गोरी है, ठीक है, और गोरी के नाम से आईडी बनी हुई है और डैनियल वार्पर इसका नाम है, उसने तस्वीरें भी किसी गोरी की लगाई हुई हैं, और
इस नाम से आईडी बनी है डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट्सो एवर, उसने अपना अपना आपका भी दिखाया हुआ है कि यार मेरा ये काम है। और उस भाई के साथ स्कैम कुछ इस तरह का हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अब ये उसने बोला जी कि मेरी अब ऑफ कोर्स किसी गौरी के नाम से गौरी की तस्वीर के साथ आपको रिक्वेस्ट आएगी, तो पाकिस्तान में लोग समझते हैं यार वाकई शायद कोई जॉब ऑफर कर रही होगी। उसने खैर बेसिकली उसने जॉब ऑफर की, इस भाई ने उसको एक्सेप्ट किया। तो भाई ने अभी डिटेल बताई है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा, एक सेकेंड। तो ये उन्होंने बोला जी कि मेरे साथ जो स्कैम हुआ है, इससे भी आपने स्कैम से बचना है, इस तरह के भी स्कैम हो रहे हैं फेसबुक पे। तो ये पहले मैं आपको मैं दो फेसबुक के स्कैम बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। तो बेसिकली उन्होंने जी कहा है कि भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने कहा कि हम आपको ऑनलाइन वर्क देंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू पीडीएफ फाइल का, आप करना चाहते हैं? तो हमने बोला जी कि हम ठीक है करना चाहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला पहले कि उन्होंने जॉब ऑफर की कि हम लोग ट्रांसलेशन हमें चाहिए पीडीएफ फाइल में और लटरन पटरन तो इस तरह का काम होगा। तो उन्होंने हमें वर्क दिया 40 पेज कन्वर्ट टू पीडीएफ और सैलरी उन्होंने बताई जी $2,000। अब यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि $2,000, मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे पता है ना अमेरिका में कनाडा में डॉलर्स चलते हैं, तो $2,000 कमाने में अगर आप एवरेज काम कर रहे हैं एवरेज सैलरी पे, तो आपको मे भी महीना लग जाए। तो ये सिर्फ आप भाई को बता रहा है जी कि 40 पेज करने पे पीडीएफ में कन्वर्ट करने में आपको 2000 सैलरी मिलेगी, ठीक है $2,000। तो इस भाई ने जो एक्सेप्ट किया होगा खुशी खुशी, जैसे कि इसके साथ स्कैम हुआ है, मैं आगे चलता हूँ कि क्या इसके साथ हुआ है। इस भाई ने बोला जी कि हमने इन्हें वर्क कर के दिया, फिर हमने सैलरी का पूछा तो उन्होंने हमारा अकाउंट बनवाया और हमारे अकाउंट में सैलरी भी सेंड कर दी। अब देखें ये भी काम हो गया, उन्होंने अकाउंट बनवाया तो बेसिकली उन्होंने अकाउंट जो था वो अपने नाम पे ही बनवाया होगा, ठीक है। अब भाई को पता नहीं चला होगा या बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता, तो हुआ ये कि उसने अकाउंट बनाया और उन्होंने शो किया कि यार ये आपके अकाउंट में सैलरी सेंड हो गई है। अब बंदा कहता है यार इतना आगे चले गए, ठीक है काम भी हो गया है सैलरी भी आ गई है, तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया हमारे साथ। तो आगे क्या हुआ जी कि फिर इसने बोला जी कि फिर हमें नेक्स्ट वर्क दिया और हमने जब सैलरी निकलवाने लगे तो आगे काफ़ी कोड थे। एक कोड आया जो उन्होंने कहा ये LBT कोड है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा $110 का, ठीक है। वो पाकिस्तानी हमने 30,000 का हमने उन्हें पैसे सेंड किए, फिर जब हमारा अकाउंट एक्टिव हुआ दो दिन बाद तो हम निकलवाने लगे तो इन्होंने कहा टैक्स कोड ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा देखें अब उन्होंने $2,000 सेंड किए और अब इन्होंने चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें दिखा दिखा के ना उन्होंने दूसरा काम भी भेजा, दूसरा काम के भी उसको पैसे आए। तो अब जब भाई के पास पैसे हो गए थे, भाई अमीर हो गया था, तो भाई ने कोशिश की जी कि वो पैसे मैं निकलवाऊँ विदड्रॉ कराऊँ। तो विदड्रॉ करवाने पे उन्होंने असली अपनी गेम शुरू की। जो पहले उन्होंने स्कैम डाला, उन्होंने बोला जी कि आपको एक LBT कोड ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, उस वो आपको इतने का मिलेगा, ठीक है। ये बैठे पाकिस्तान में ही होते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बार बार पाकिस्तान में बैठे होते हैं। अब $110 को अगर आप कन्वर्ट करें 30-40 हज़ार रुपया बन जाता है। तो ये भाई कह रहे हैं मैंने 30,000 का एक कोड ख़रीदा है, ठीक है। जब वो ख़रीद चुका है तो उसके दूसरे बाद उसने कहा जी कि आपको $80 देने पड़ेंगे टैक्स कोड खुलवाने के लिए, ठीक है। अब इसने कहा जी कि 22,200 टैक्स कोड ख़रीदना पड़ेगा $80 का, 22,200 ये लास्ट कोड है। उन्होंने कहा जी कि ये $80 का आप दोबारा ख़रीदें, टैक्स कोड है ये लास्ट कोड है, उसके बाद फिर इसके बाद आप पैसे निकलवा सकेंगे, ठीक है। तो भाई ने कहा होगा जो यार चलो ठीक है ये काम भी ठीक है, मैं थोड़े से पैसे लगे हैं 20-30 हज़ार लगे, तो 30,000 एक कोड पर लगा, 20,000 एक कोड पर लगा, 50-60 के अंदर अंदर मेरा कोड वगैरह ख़रीदे जाएंगे और उसके बाद मैं लाखों कमाऊँगा। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, मैं आगे चलता हूँ। फिर जब निकलवाने लगे तो कहते हैं अब $300 और पे करें और टैक्स है पैसों का, फिर हमने नहीं पे किए। जब हमने यूट्यूब पे देखा तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ, फिर हमने पता चल गया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। हमने सोचा अब 30,000 दिया है वो भी ज़ाया हो जाना, तो फिर 22,000 और भेजा हमने। अच्छा 30,000 दिया वो ज़ाया, उनको पता लग गया कि ज़ाया होगा, 22,000 और भेज दिया।
फिर हमने इन्हें बहुत मैसेज किए, फिर पर वो यही बात कहते हैं पहले 83,000 भेजो, फिर आपको सैलरी, फिर आपको सारे वापस कर दिए जाएंगे, जो आपको सैलरी शो हो रही है वो आपको उसके बाद पता लगेंगे। अब होता क्या है बेसिकली कि लोग कहते हैं कि यार हमारे अकाउंट में तो लाखों रुपए पड़े हैं, मतलब हमने अर्न कर लिए हैं लाखों रुपए, तो अब लाखों रुपए अर्न हो गए हैं, तो वो कहते हैं जी कि चलो ठीक है 20-30-40,000 लगा भी दिया तो हमारा तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ये लाखों अरबों रुपए तो साल बाद तो हम पूरा पाकिस्तान खरीद लेंगे। तो प्यारे भाई यार ये देखो, आपको अगर पहले ही पता लग गया था कि वो रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं या कोई कोड वगैरह मांग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, अभी मैं लास्ट वीडियो भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ऑनलाइन वर्क है, असाइनमेंट वर्क है, तो हमें वो कह रहे हैं जी कि 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद आपको काम मिलेगा। यार प्यारे भाइयों बहनों, सब समझदार हो यार, मेरी बात सुनो, बहुत ही प्यारे अच्छे अल्फाज में समझाने के लिए सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, कोई मकसद नहीं है मेरा, वो ये है कि यार जब आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, चलो छोड़ें, वो ये है जी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई इंटरनेशनल कंपनी, कोई लोकल कंपनी, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई असाइनमेंट वर्क नहीं है, कोई ऑनलाइन वर्क नहीं है जो आप शुरू कर सकें रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो रियल है, तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में वो ये है जी कि वो आपसे कोई फीस वगैरह नहीं मांगेंगे उसकी। अगर वो आपसे फीस मांग रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप स्ट्रेट अवे, वहां पर ही आपको रुकना पड़ेगा, वहां से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यार ये सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं होते वो कि जो 2-3 हज़ार दे के उनका काम चल पड़ेगा, उन्होंने 50-60-100 बंदों को मैसेज किया होता है, और सबसे अगर 2-2 हज़ार रुपया भी लें तो 100 बंदों का किधर, आप खुद हिसाब लगाएं किधर जाके बात खड़ी होती है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है यार प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रजिस्ट्रेशन फीस के साथ शुरू होता हो, या कोई एडवांस देने से शुरू होता हो, या कोई टैक्स कोड देने से शुरू होता हो, यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने आप को बचाएं, आपके पैसे अक्ल हाल की कमाई है आपकी, हमें पता है आपके हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में आप लोगों ने अपना पैसा खराब कर दिया। अब इस भाई के साथ जो हुआ है, इस भाई के साथ क्या हुआ है, इसने जी देखा जी $2,000 आ गया मेरे अकाउंट में, ठीक है, और बाद में उन्होंने कोड मांगना शुरू कर दिया। यार ऐसा कौन सा कोड है जो पैसों से खरीदा जा सकता है? अगर उनको इतने ही पैसे चाहिए, आपको उनको कहना चाहिए कि यार ठीक है $2,000 है, आप 800 बीच में से काट के बाकी मुझे दे दें, आप कोड खरीद के दें ना। ऐसा कौन सा कोड है यार जो पैसे दे के खुलेगा? जब उसने देखा यार ठीक है 30,000 रुपया दे दिया इसने, $100 दे दिया इसने हमें, उसने उन्हें अगला कोड टैक्स कोड निकाली। यार टैक्स कोड कौन सा होता है? हमने तो आज तक कोई टैक्स कोड नहीं देखा जो पैसे दे के कोड खुलेगा यार ये। ओह माय गॉड, सॉरी मेरा थोड़ा सा लहजा गर्म हो गया, लेकिन यार यूज योर कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल किया करें सारे। मुझे पता है आप लोगों को कोई कसूर नहीं है, लेकिन यार जो हो रहा है आप लोगों को थोड़ा सा अपनी आंखें खोलनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम हो, पहले YouTube पे आएं, आगे पीछे नेट पे सर्च करें यार ये कौन सी कंपनी है, क्या काम है। लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि यार ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता हो, सिवाय आपका रियल बिजनेस के। अगर आप कोई रियल बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ऑफकोर्स आपको कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यार अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आपको दुकान एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपके पैसे लगेंगे, और मतलब फिजिकली कोई चीज़ हो रही है, उसके बाद आप सामान आके रखेंगे, उसके बाद आप उसको सेल करेंगे, उस पर आपके प्रॉफिट होगा, वो आपको समझ आती है। लेकिन यार ऑनलाइन कोई ऐसा काम नहीं है, कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यार वो कहते हैं इंटरनेशनल कंपनी है, वो कहते हैं जी कि मैं आपको फीस वगैरह भी ना दें, आपको काम देंगे, तो आगे क्या होता है जी, उसमें भी वो आगे जाके स्कैम कहीं ना कहीं लाजमी करते हैं आपसे, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से आपसे पैसे निकलवाएंगे वो, और या कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे कि यार 4 बंदों को और भेजो, आप हर 4 बंदे, अब आपको तो हो सकता है वो शुरू अब कुछ अच्छा ऐसे होते हैं कि वो आपको असाइनमेंट वर्क देते हैं, उसके बाद आपको पैसे भी देते हैं, वो कहेंगे ठीक है आप 400-500 का ये खरीदें, उसके बाद आपको हर वीक का या हर मंथ का 1,000 रुपया देंगे या 500 वीक का देंगे, अब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो कोई ना कोई ऑफर देते हैं। तो होता क्या है कि लोग कहते हैं यार ठीक है हम तो पैसे भी कमा रहे हैं, वो 400-500 लगा लेते हैं, 400-500 वो कहते हैं जी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, 400-500 लगा देते हैं, और बदले में हो सकता है 1,000-1,500 कमा भी लें।
अब यहाँ पे उनकी ट्रिक देखें कि वो क्या आखिर में क्या कहते हैं, यार आप लोग ना ग्रुप में और बंदों को डालें, या आप खुद कमाना शुरू हो जाएंगे, आप ऑफ कोर्स अपने दोस्त को बताएंगे कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, तू भी यही काम कर, ठीक है। तो जब वो काम करते हैं तो पता लगता है कि उसके साथ तो चलो 1000-2000 उसने कमा लिया, लेकिन जो बाकी उसने 3 बंदे लाए हैं उनके साथ स्कैम हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट से शुरू होता हो ऑनलाइन के। ऑनलाइन अगर कोई काम है तो वो आपको कंपनी पहले ट्रेनिंग देगी, पहले आपको पे करेगी, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। बहुत सारी फ्रीलांसिंग कंपनियां जो आपको काम देती हैं, अगर आपके पास अच्छी डिग्री है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क, ऑनलाइन ये वर्क, ऑनलाइन वो वर्क, PDF फाइल, ये वर्ड ट्रांसलेशन, लटरन पटरन, ये कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। सारे बच्चों डिफरेंट नाम से कंपनियां लगी हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल में मैसेज करते हैं कि यार ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये इंटरनेशनल नंबर है, ये इंटरनेशनल कंपनी के साथ रजिस्टर हुआ है। बस वो कह रहे हैं जी कि यार इतने पैसे दे दो रजिस्टर। कोई ऐसा काम नहीं है, इनसे बचें। और कोई भी हो, पहले आपने जाना है नेट पे। अब हो सकता है अब मैं अगर आपके साथ स्कैम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे चैनल पे कोई वीडियो पड़ी हो कि यार नहीं ये ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है, जब आप करने लगे तो आपको पता लगे कि नहीं यार ये तो पैसे मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं, कोड के पैसे मांग रहे हैं, वहां से आपने फुल स्टॉप लगा देना है। आपके पैसे बहुत कीमती हैं, आपने बहुत हक हलाल से कमाए हैं, अपने पैसों को ऐसे खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हुए देखें, ऐसे पैसे अपने को ज़ाया ना करें। दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, डिफरेंट नाम है। लोग पूछते हैं कि यार इस नाम से, इस नाम से, इस नाम से, किसी भी नाम से कोई काम नहीं है, असाइनमेंट वर्क कोई भी काम नहीं है। असल में असाइनमेंट वर्क कोई काम है नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि यार असाइनमेंट वर्क है। पाकिस्तान में ही ऐसे काम आते हैं, पाकिस्तान में ही लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, बाकी किसी जगह नहीं हो रहा। बाकी ये फेसबुक वाला सीन है, और उससे भी बच के रहें। दो तरह के मैंने आपको फेसबुक स्कैम बताए हैं, दो तरह के आपको मैंने ऑनलाइन काम बताए हैं कि यार ऑनलाइन मोस्टली क्या होता है कि इसी तरह PDF फाइल या ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क के नाम से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। डिफरेंट नाम से कंपनियां बनी है, सब पाकिस्तान में बैठे हैं, सब हराम कमा रहे हैं, सबसे बचें। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनियां, अगर मैं बाहर बैठा हूँ मुझे अच्छे तरीके से पता है, मुझसे पूछें कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई मतलब सीन नहीं है कि यार आप ये काम करेंगे तो आपको इतने $1000 मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान में ही सारे बैठे हैं, सब स्कैम पाकिस्तान में हो रहे हैं। आप लोगों ने इससे बच के रहना है, अपने आप को महफूज बनाएं, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि यार क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो हालात हैं, लोग मैं कहता हूँ टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपने गलत तरीके से अपने आप को वो यूज़ कर रहे हैं अपने टैलेंट को, और वो गलत तरीके पर चल पड़े हैं। और अपने आप को बचाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बचाएं, वो एक ही तरीका हो सकता है। ये वीडियो आपने शेयर करनी है, वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी स्कैम से बच सकें। और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। और अभी मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी होगी और काफ़ी हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। खुदारा अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।